हाय गाइस, तो यार ये हमारे अरे प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 6 है और आज हम लीड कोड 199 बनाएंगे। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट टू बी ऑनेस्ट ये एक इजी क्वेश्चन है अगर आप उसको समझ जाओ अच्छे से तो। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है बाइनरी ट्री राइट साइड व्यू। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है करना क्या है। एक बाइनरी ट्री है, अगर आप उस बाइनरी ट्री को राइट साइड से देखोगे तो जो जो नोड्स आपको दिखेंगे ना राइट साइड में खड़े होकर, अगर आप उस ट्री पर देखोगे तो आपको जो जो नोड्स दिखेंगे वो आपको रिटर्न करना है कि क्या क्या नोड आपको दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से बनाएंगे, फिर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम DFS से बनाएंगे, यानी कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से। ठीक है, तो देखो इनपुट कुछ ऐसा रहेगा 1 2 3 नल 5 नल 4, आउटपुट है 1 3 4, ऐसा दिया रहेगा। बट मैं अच्छे से समझाता हूँ क्या है ये। इनपुट है 1 2 3 5 1 2 3 नल 5 नल 4, ये था ना इनपुट। तो इसका ट्री डायग्राम कुछ ऐसा होगा, इसका आउटपुट था 1 3 4। और सही बात है, तुम राइट साइड से, ये राइट साइड है ना, तुम राइट साइड से देखो तुमको कौन से नोड दिख रहे हैं, कौन से नोड दिखेंगे। 1 तो दिख जाएगा, 3 दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा ना, क्योंकि 2 इज़ हिडन फ्रॉम 3। 2 जो है छिप चुका है 3 की वजह से, और देखो लास्ट लेवल पे जो 5 है वो 4 की वजह से छिप चुका है। तो हमें सिर्फ 1 3 और 4 दिखेगा अगर मैं राइट साइड में खड़े होकर देखूंगा तो। दैट्स वाई माई आउटपुट इज़ 1 3 एंड 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यार आपको ये तो पता है कि मैं तो मैंने बता दिया कि इसको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, डेट इज़ BFS। तो यार सिंपल है, देखो मैं हर लेवल पे ट्रैवर्स करूँगा। मान लो अभी मैं लेवल नंबर 1 पे रहूँ, ठीक है, मैंने इस लेवल को ट्रैवर्स किया, जो सबसे आखिरी नोड मुझे मिलेगा ना इस लेवल में वही मेरा राइट नोड होगा। काम ख़त्म, आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन ऑलरेडी। तो मेरा राइट नोड इस लेवल पे सबसे राइट मोस्ट नोड कौन है, एकमात्र 1 है, 1 मिल गया। अब मैं नेक्स्ट लेवल पर आया, नेक्स्ट लेवल पर टोटल कितने नोड है, 2 नोड है। तो मैं दो नोड है, अब दोनों सबसे लास्ट लास्ट नोड कौन सा है, लेकिन 3 है लास्ट नोड, राइट। तो आंसर मेरा 3 होगा। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट लेवल पे जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो लास्ट नोड हमारा कौन सा होगा, 4 होगा लास्ट नोड, आंसर मेरा आ गया। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, आप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जब करते हो ना तो जो लास्ट नोड आपको मिलता है वही आपका आंसर होगा। हर लेवल का आपका लास्ट नोड ही राइट साइड से आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका लिखेंगे तो कैसे होगा। पहले इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं यहाँ पर। थ्री फाइव फोर, ठीक है, 1 2 3 5 4। ठीक है, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। तो लेवल ऑर्डर में क्या करते थे, क्यू लेते थे, राइट। तो मैंने क्यू ले लिया, क्यू में पहले तो रूट को डाल देते थे। ये मेरा रूट है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा रूट है 1 जो है, तो पहले तो रूट को डाल देते थे हमेशा। चलो रूट डला गया, ठीक है, अब रूट डाल दिया हमने। तो स्टार्ट कैसे करते थे, वाइल हमारा क्यू जो है एम्प्टी ना हो तब तक चलाएंगे, एम्प्टी ना हो तब तक चलाएंगे। फिर क्या करते थे, हम हर एक लेवल को चेक कर रहे हैं। तो अभी मैं करंट लेवल का साइज़ निकाल लेता हूँ। करंट लेवल का साइज़ क्या होगा, जो क्यू का साइज़ है। एट अ गिवन टाइम क्यू में करंट लेवल के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो अभी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सारे एलिमेंट पे ट्रेड करता हूँ, तो 1 है ना, टोटल 1 एलिमेंट है ना। तो वाइल एन माइनस माइनस, ठीक है, तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं नोड ऐसे सेव कर लूँगा, क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, निकाल लिया। और पॉप करते थे, याद है, क्यू डॉट पॉप करते थे, मतलब 1 को पॉप कर दिया नोड में, इस पहले सेव कर लिया क्यू डॉट फ्रंट को 1 को, ठीक है। अब देखो, अब क्यू, अब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या करता था कि नोड के लेफ्ट में कोई नोड है, नोड का लेफ्ट चाइल्ड है, अगर है तो ऐड कर दो, ऐड कर दिया 2 को। नोड का राइट चाइल्ड है इसको ऐड कर दो, मतलब लेफ्ट चाइल्ड ऐड कर लिया, राइट चाइल्ड भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये लूप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एन का वैल्यू 1 था, राइट, है ना, एन का वैल्यू 1 था। तो मैं लूप से बाहर निकलूँगा
और मेरे नोड में जो वैल्यू होगा ना वही मेरा रिजल्ट होगा। तो नोड में मेरा वैल्यू क्या था, 1 था, 1 स्टोर हो गया, ठीक है। अब वापस मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, क्या मेरा क्यू एम्प्टी है, नहीं है। क्यू का साइज़ अभी क्या है, क्यू का साइज़ है अभी 2, है ना, दो एलिमेंट्स है ना, ठीक है। अब ये यानी कि ये वाइल लूप अब 2 बार मैं चलाऊँगा, तो क्यू डॉट फ्रंट निकाला मैंने, नोड का वैल्यू 2 और क्यू डॉट पॉप किया, 2 को पॉप कर दिया। 2 का लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है। 2 का राइट चाइल्ड है, हाँ है, तो क्यू में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक बार और लूप चलेगा ना, क्योंकि एन की वैल्यू 2 थी। नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, तो नोड अब क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब नोड को पॉप कर दिया, 3 का लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है। 3 का राइट चाइल्ड है, हाँ है, ठीक है। अब ये वाइल लूप ख़त्म हो गया, क्योंकि एन की वैल्यू सिर्फ 2 थी, तो ये लूप सिर्फ 2 बार चला। अब मैं बाहर निकला, तो नोड की वैल्यू क्या थी, याद करो, नोड की वैल्यू लास्ट में क्या थी, 3 थी, है ना। और मैं यहाँ पर 3 स्टोर कर दूँगा, देखो करेक्ट आ रहा है मेरा आंसर हर बार। अब मैं लास्ट लेवल पर हूँ, क्या क्यू मेरा एम्प्टी है, नहीं है। एन की वैल्यू क्या है, क्यू डॉट साइज, क्यू की वैल्यू साइज़ क्या है, 2 है। वाइल एन माइनस माइनस, यानी कि अब ये लूप जो है अभी भी 2 बार चलेगा, क्योंकि क्यू की वैल्यू अभी करेंटली 2 है। क्यू डॉट फ्रंट मैंने निकाला, तो क्यू डॉट फ्रंट में क्या है, 5 है, और उसको पॉप कर लिया। 5 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है। 5 का कोई राइट चाइल्ड है, नहीं है। कहानी ख़त्म। फिर एक बार और वाइल लूप चलेगा, क्योंकि एन की वैल्यू 2 थी। नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, फ्रंट में अभी कौन है, 4 है, ठीक है। 4 का लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है। 4 का राइट चाइल्ड है, नहीं है, तो कुछ नहीं डलाएगा। इसको पॉप कर दिया। अब वाइल लूप तो एक ही बार चल, 2 ही बार चलना था, ख़त्म हो गया कहानी। मैं जब वाइल लूप से बाहर निकलूँगा, तो मैं चेक कर लूँगा नोड में कौन सी वैल्यू थी लास्ट, 4 3, 4 थी ना, 4 को स्टोर कर लिया। अब देखो क्यू एम्प्टी है, राइट, तो अब ये लूप भी ब्रेक कर जाएगा, मैं बाहर आ जाऊँगा, मेरा आंसर मुझे मिल गया, ठीक है। सिंपल है, मतलब काफ़ी इंट्यूटिव और काफ़ी सिंपल है, वो डायग्राम से ही आपको इधर क्लियर हो गया होगा कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जब आप कर रहे हो ना, तो राइट मोस्ट नोड यानी कि जो लास्ट नोड आपको मिल रहा है ना हर एक लेवल पे, वो आपका राइट मोस्ट नोड होगा, ठीक है। तो अब इसका कोड करके देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल सा कोड होगा, ओके। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ इट, है ना। रिटर्न द वैल्यूज ऑफ द नोड्स यू कैन सी ऑर्डर्ड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। वही है कि राइट साइड में अगर आप इस ट्री के खड़े होते हो, तो टॉप से बॉटम में आपको कौन कौन से नोड दिखेंगे, वो आपको रिजल्ट भेजना है, ठीक है। यही मैंने एग्जांपल आपको शो किया था अभी, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज इन द रेंज ऑफ 0 to 100, एंड नोड की वैल्यू -100 से 100 होगी। तो नॉर्मल ही है कंस्ट्रेंट, तो सिंपल आप डायरेक्ट कोड पे चले जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, काफ़ी पॉपुलर है यार ये क्वेश्चन, देखो कंपनी टैक्स काफ़ी कंपनीज में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली सोल्यूशन पर आते हैं इसके। तो मैंने क्या कहा था कि हम लोग इसको लेवल ऑर्डर ट्रैवल से बनाएंगे, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए हमारे पास क्यू होना चाहिए, राइट। तो क्यू मैंने कर लिया। सबसे पहले तो ये सब चीज़ें कर लिया करो कि अगर रूट इज इक्वल टू नल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और एक वेक्टर रख लेते हैं जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। और क्यू में हम सबसे पहले तो अपना रूट डाल लेते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। इंट एन, पहले तो साइज़ निकाल लेंगे, क्यू डॉट साइज़, ठीक है। अब जितना भी साइज़ है इतने टाइम चलाएंगे अपने इनर लूप को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, एक नोड वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पॉपुलेट हो जाएगी। तो नोड इज़ इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, जो फ्रंट में एलिमेंट है उसको निकाल लूँगा और उसको पॉप कर लूँगा, ठीक है। इफ़ क्यू सॉरी इफ़ और फिर नोड का अगर लेफ्ट चाइल्ड है इज़ नॉट इक्वल टू नल, देन क्यू डॉट पुश नोड्स लेफ्ट चाइल्ड, एंड सिमिलरली इफ़ नोड्स राइट चाइल्ड इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर राइट चाइल्ड है तो क्यू डॉट पुश नोड्स राइट चाइल्ड, ठीक है।
ये हो जाएगा, ये लूप चल जाएगा मेरा, लास्ट में मेरे नोड में कौन सी वैल्यू होगी, जो राइट मोस्ट नोड यानी कि जो लास्ट नोड बची होगी मेरे लेवल करंट लेवल पे, तो मैं उसको रिजल्ट में पुश कर दूंगा, ठीक है, पुश बैक नोड की जो वैल्यू होगी, है ना। और मैं जब सब ओवर हो जाएगा तो मैं अपने रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सारे एग्जांपल्स को रन करके देखते हैं, पास हो गए हैं, इसको सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया, ग्रेट। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग DFS, यानी कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से हम सॉल्व करेंगे, ये BFS था, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।